सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल न्यूज बॉय। तो आज के इस वीडियो में मैं बहुत सारे यूट्यूब कम्युनिटी एंड अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से रिलेटेड इंटरेस्टिंग न्यूज कवर करने वाला हूँ। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। आज का जो न्यूज है वो मैं एक सैड न्यूज के साथ स्टार्ट करना चाहूंगा। आप में से मैक्सिमम लोगों को पता चल गया होगा कि इरफान खान जो एक बॉलीवुड एक्टर थे हमारे, ही इज नाउ नो मोर। जब उनका देहांत हो चुका है, उनको जो है कैंसर था एंड वो बहुत टाइम से एडमिट थे हॉस्पिटल में, तो उनका डेथ हो गया। बहुत सारे यूट्यूबर्स अपना दुख जताए अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर, जैसे कि आप देख ही सकते हो स्क्रीन पर। तो यार मैं ज्यादा क्या ही बोलूं इरफान खान के बारे में, मैं बस एक ही बात बोलना चाहूंगा, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। तो चलिए अब नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करते हैं। मैं बात करने वाला हूं कैरी मिनाटी के बारे में। तो जैसे कि आप सबको पता है, कैरी मिनाटी जो है काफी टाइम से अपने सेकंड चैनल कैरीज लाइव में लाइव स्ट्रीम नहीं कर रहे। वो मेरा मतलब काफी टाइम से वो इनएक्टिव है एंड इतना इनएक्टिव वो नहीं रहते थे पहले। तो ऑब्वियसली बात है, बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होगा कि कैरी मिनाटी जो है क्यों लाइव स्ट्रीम नहीं कर रहे बोल के, है ना। तो रिसेंटली कैरी मिनाटी एक ट्वीट किए थे जहां पर वो बताया कि वो जो है कुछ टाइम के लिए इंस्टाग्राम चलाना छोड़ देंगे, मतलब एक हफ्ते तक वो शायद इंस्टाग्राम चलाएंगे एंड वो चीज वो फर्स्ट मई से अप्लाई करेंगे एंड शायद 7 मई तक वो अप्लाई करेंगे इस चीज को, क्योंकि उनको लगा कि इंस्टाग्राम जो है उनको काफी चिंता में डाल रहा था। जैसे कि आप देख सकते हो वो एक ट्वीट किए, तो उसी ट्वीट का एक बंदा रिप्लाई किया, स्ट्रीम क्यों नहीं कर रहा आजकल। तो उसी का रिप्लाई कैरी मिनाटी दिए, वो लिखे सब गेम्स सेम सेम है, वेटिंग फॉर समथिंग न्यू। फिर एक बंदी कमेंट की, वो लिखी बहुत हो गया कैरी, व्हाई आर यू नॉट कमिंग लाइव, द नेशन वांट्स टू नो, नई गेम आए चाहे ना आए डज नॉट मैटर, वी आर डियर टू सी यू नॉट अ गेम, प्लीज लाइव आ जा। उसी का कैरी मिनाटी रिप्लाई दिए, वो लिखे आई एम वर्किंग ऑन ए प्रोजेक्ट विच हैज सम टाइम कॉन्स्ट्रेंट्स, सो माई फुल फोकस इज ऑन दैट राइट नाउ, बट आई विल बी बैक। जैसे कि आपको पता होगा कल कैरी मिनाटी एक पोस्ट किए थे अपने इंस्टाग्राम में, जहां पर वो बताए थे कि वो कुछ स्कैरी शूट कर रहे, मतलब कुछ डरावना वो शूट कर रहे हैं, तो शायद उसी प्रोजेक्ट के ऊपर वो बिजी है, तो इसके वजह से जो है वो लाइव स्ट्रीम नहीं कर रहे वो। सो लेट्स सी अब कैरी मिनाटी जो है कब से अब लाइव स्ट्रीम करना चालू करेंगे अपने सेकंड चैनल पर एंड कब जो है अपना नया वीडियो अपलोड करेंगे अपने मेन चैनल पर। इससे रिलेटेड कुछ भी अपडेट अगर मुझे मिलता है तो आप लोगों को मेरे वीडियोस के थ्रू पता चल जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करते हैं। मैं बात करने वाला हूँ टिकटॉकर वर्सेस यूट्यूबर के बारे में। जी हाँ, जैसे कि आप सबको पता ही, अभी बहुत गर्म माहौल चल रहा है टिकटॉकर वर्सेस यूट्यूबर के बीच। सबसे पहले ये स्टार्ट हुआ था, आपको पता ही है, जब एलविश यादव रोस्ट किए थे टिकटॉकर को, उसके बाद से जो है रिवॉल्वर रानी एंड आमिर सिद्दीकी एलविश यादव के अगेंस्ट वीडियो बनाए थे। वो लोग सिर्फ एलविश यादव के अगेंस्ट नहीं, वो पूरे यूट्यूब कम्युनिटी के खिलाफ वीडियो बना दिए थे, अगेंस्ट में वीडियो बना दिए थे। उसके बाद से जो है ये सब जो कॉन्ट्रोवर्सी शुरू हुआ, अगर उसके बारे में नहीं पता तो एक वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो जाके देखिए, आपको पूरा स्टोरी समझ आ जाएगा। उसके बाद क्या हुआ, आमिर सिद्दीकी अपने इंस्टाग्राम में एक मतलब वीडियो शेयर किए, कैप्टन एमडी का वीडियो था वो बेसिकली, जहां पर कैप्टन एमडी ने अपने वीडियो में दिखाया था कि एलविश यादव कैसे जो है पहले खुद टिकटॉक वीडियोस बनाते थे एंड अब जो है वो टिकटॉक को रोस्ट कर रहे बोल के, ऐसा एक वीडियो बनाया है कैप्टन एमडी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके देख सकते हो। तो उसी वीडियो के बारे में बताते हुए आमिर सिद्दीकी कुछ स्टोरीज पोस्ट किए, जहां पर वो बताया कि कैसे जो है एलविश यादव खुद पहले टिकटॉक यूज करते थे एंड मतलब अभी टिकटॉकर्स को रोस्ट कर रहे हैं। और जो वो बातों बातों में ऐसे बोल रहे थे कि वो जो है कुछ ये जो उनका रमजान चल रहा है वो खत्म होने के बाद शायद से वो एलविश यादव को एक्सपोज करेंगे। जी हाँ, 2017-2018 की बातें कर रहे थे वो, पता नहीं क्या है, शायद इनडायरेक्टली वो एक्सपोज के बारे में बात कर रहे थे, शायद वो एक्सपोज करेंगे जो रमजान खत्म होने के बाद उनका। तो आप भी देखिए आमिर सिद्दीकी के इंस्टाग्राम स्टोरी। चलो ये वीडियो देख के मेरे को ऐसा लगा कि किसी को तो समझ है, देयर आर क्रिएटर्स एंड यूट्यूबर्स जिनको एक्चुअल चीजें पता है। आई रिस्पेक्ट वैसे कंटेंट क्रिएटर्स और यूट्यूबर्स को, क्योंकि इसने जो खड्डा खोदा दूसरे के लिए, ये खुद वो खड्डे में गिर गया। ये वीडियो देख के वही समझ में आता है, जिसके घर शीशे के होते हैं ना, दूसरों के घर पे पत्थर नहीं मारते। गलत किया बंटा है, तू बहुत गलत कर रहा है, तू खड्डा खोद रहा है तो खुद गिरेगा, तू खुद पछताएगा, ये मेरी बात याद रखना, आई विल मेक यू रिग्रेट। आज भले तू ऐसा सोच रहा है कि सब आमिर को नेगेटिव बोल रहे हैं, सब आमिर को ये बोल रहे हैं, बट जिस दिन आमिर बोलेगा तो पॉजिटिव ही बोलूंगा मैं, और सारी चीजें तेरी सच्चाई और असलियत लेके आ जाऊंगा। 2018 में क्या हुआ था, उसके पहले क्या हुआ था, तू एक्चुअल में क्या करता था, तू डब स्मैश से तूने चालू किया था, फिर तू किसकी कॉपी करके आया, हर एक छोटा छोटा माइन्यूट चीज निकाल के मैं बताऊंगा, ठीक है। तो वेट फॉर इट, तू जवाब दे, तेरे तू आखिरी वीडियो बनाएगा, उसके बाद खत्म, सबने बना लिए, तू एक आखिरी बचा ना, तू भी बना ले, तेरे मन की भड़ास जितनी तेरे को नफरत फैलाना है फैला लेना, अगर कुछ बच जाएगा तो वो भी वापस फैला लेना, तू वापस कर लेना, बट सब बोलूंगा टाइम आने पे, रमजान होने दे बंटे। और मेरा भाई, तेको लगता है कि तू माँ बहन की गाली देके बहुत सुपर कूल लगता है, गलत है। इससे ये पता चलता है कि तेको तेरी बहन और माँ की रिस्पेक्ट नहीं है, जो तू दूसरों को माँ बहन के ऊपर गाली देता है। और जो असली वाले रहते हैं ना मर्द बच्चे, जो असली वाले रहते हैं ना, वो डायरेक्ट आके फेस टू फेस करते, तेरे ऐसा छिछोरेबाजी ठिल्लर पने नहीं करते, उधर बैठ के फालतूगिरी करके किसी के बारे में बोल के। और ना तो मैं तेरे जैसा किसी को कॉल करके बोल रहा हूँ कि तू रोस्ट कर अभी उसको, तू भी रोस्ट कर, तेरे खुद के दोस्त लोग ने तेरे को मना कर दिया, आधे से ज़्यादा लोग ने, ये सब करने के लिए, बाकी जो तेरे बाप बच्चे जो भी तूने पाल के रखा है वो कर रहे रहेंगे तेरे बोलने के ऊपर। तो शर्म कर बंटा है, शर्म कर, और जब मैं बोलूंगा ना तो बंटा तेरी पूरा चिट्टा ऊपर से लेके नीचे तक खोल के बोलूंगा, क्योंकि तेरे से वो डरते रहेंगे बच्चे लोग। मैं नहीं डरता किसी से, ऊपर वाले से डरता हूँ खुदा से, और तेरे से मच्छर बहुत देखा मैंने, समझा। उसके बाद जो है एलविश यादव भी आमिर सिद्दीकी को रिप्लाई किए। जी हां, एलविश यादव आज अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज में ये पोस्ट किए थे,
भाई मैंने अभी स्टोरी देखी आमिर सिद्दीकी की। हाँ मैं नाम ले रहा हूँ भाई, थोड़े फॉलोअर बढ़ जाएंगे भाई के। तो मेरे को बहुत सारी चीज़ें पता है। कह रहा पर 2018 से चिट्ठे खोल दूँ भाई। चिट्ठे क्या खोलोगे तुम, हमारा तो सारी पब्लिक ने पता है। यूट्यूब खोल के देखा, एल वी से लेके देखा ना, सारी चीज़ आ जाएगी लिखी ओड। हम इन चीज़ों में बिलीव नहीं करते भाई कि तुम्हारे चिट्ठे खोल दूँगा, तुम्हारा ये कर दूँगा कर दूँगा। भाई हम कर देख रहे हैं और वो तुम्हें पता भी चली होगी। और एक और चीज़ बताता हूँ, यूट्यूब पे सदा से रोस्ट मरते आ रहे हैं टिकटॉक के ऊपर, तब तुम्हारी जुबान नहीं खुली। और जब देखा कि भाई ये इसने तो गांठ फाड़ दिया, हमारी बड़े बड़े टिकटॉकर जितने बन रहे हो तुम, एलविस भाई ने तुम्हारा ऐसा ऐसा कर दिया, तो तुम्हारी जुबान खुल गई। तो भाई देखो सुनो मेरी बात, अच्छी बात है तुम्हारा रमज़ान चल रहा है कि तुम कह रहे हो रमज़ान के बाद हम वो करेंगे, क्या कहते हैं रिप्लाई करेंगे, तुम अपना रिप्लाई का। भाई देखो मैंने अभी तो कुछ करा ही ना है, जब तुम्हारी हालत ऐसी हो रही है, मैंने कुछ कर दिया तो भाई तुम फांसी लटक जाओगे। तो इसलिए ना तुम थम जाओ, थोड़े टिक जाओ, ना तो गलत हो जाएगा भाई तुम्हारे साथ। और भाई मैं उनमें से नहीं हूँ तुम्हारी तरह, जो छपरी वपरी में लड़ाई होती है तुम्हारी, ये कबूतर वबूतर ना चाहते हो तुम अपनी छपरियों में, उनमें से नहीं हूँ भाई। तो थोड़ा ना क्लास डिफरेंस भी देख लो आपका। यार कह दें भाई तुम तो क्लास डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो। हाँ भाई मैं कर रहा हूँ, क्योंकि बात सच है। और ऐसा नहीं है कि भाई अब मेरी वीडियो नहीं आएगी, अलिफ भाई तुम रिप्लाई नहीं कर पाए। भाई रिप्लाई इनको क्या करना यार, ये मर जाएंगे। मैं टिकटॉक का रोस्ट बनाऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऐसा नहीं है कि मैं टिकटॉक का रोस्ट छोड़ दूंगा, टिकटॉक पर करेंगे रोस्ट। पर इनके इतना सा तो मुंह बनगा, मैं क्या ही बोलूँ यार। इनसे एक छोटी सी वीडियो नहीं झेली गई, इनकी गांड फटकी इतनी गंदी वाली। तो भाई अगर तुम ये सोचो मैंने रिप्लाई कर दिया इनका, या फिर क्या क्या ही हो जाएगा इनके साथ। और एक स्टोरी में हमारा भाई कह रहा कि भाई तुमने ना इनको फ़ोन करा रोस्टर्स को कि रोस्ट बना दो, और तुम्हारे दोस्तों ने भी मना कर दी। भाई तुम्हारी दवाई का खर्चा भी उठा लूँगा। भाई तुम दवाई लो टाइम पे, थोड़ा सा डिफेक्ट है तुम्हारे बुद्धि में। वैसे तुम्हारे यहाँ बुद्धि भी ना होगी, तुम्हारे घुटने में दिमाग होगा, गांड में दिमाग होगा वैसे तुम्हारे। बट कोई बात नहीं, तुम्हारे दवाई खर्चा भी उठा लेंगे। और मेरे को भाई किसी को फोन करने की जरूरत नहीं है, मेरी जनता सपोर्टिव है। शायद तुम्हें पता चली होगी यूट्यूब पे ना भाई समझदार ऑडियंस है। शायद तुम्हें फर्क पता चली होगी टिकटॉक का और यूट्यूब का। यूट्यूब पर समझदार ऑडियंस बैठी है, उनको पता है क्या सही है क्या गलत है, और उसका रिजल्ट भी शायद तुमको पता चली होगी। तुम यूट्यूब पर आ जाओ, तुम्हें तब पता चल जाएगी भाई। और तो इससे ज़्यादा क्या ही बोलूँ, तुम कसर तो पूरी कर रखी है। अब बस भाई मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा अपना तुम्हारे ऊपर, तो स्टोरी एंड करते हैं यहीं पे, ना तो छोड़ो छोड़ो। तो ये तो हो गया इन दोनों के बीच जो ड्रामा चल रहा था इसके बारे में। आप सबको पता है बहुत सारे यूट्यूबर्स ऑलरेडी टिकटॉकर्स को रोस्ट करते हुए बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर चुके हैं अपने चैनल पर, जैसे साइमन सेज रोस्ट किए, लक्ष्य चौधरी, सम्राट भाई, कलका लौंडा और भी बहुत सारे यूट्यूबर्स में सारे, मतलब मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहे हैं, लेकिन ऑलमोस्ट सारे रोस्टर्स ने जो है टिकटॉकर्स को रोस्ट कर दिया अभी तक। इन शॉर्ट कहूँ तो पूरी यूट्यूब कम्युनिटी अब एक साथ आ गई है, एंड वहीं दूसरी तरफ पूरी टिकटॉक कम्युनिटी भी जो है एक साथ आ गई है। रिसेंटली मिस्टर सोहू नाम के एक टिकटॉकर है, उन्होंने भी एक वीडियो अपलोड किया था अपने इंस्टाग्राम के IGTV में, आज ही अपलोड किया था शायद। वो बात की इंडियन रोस्टर्स के बारे में कि कैसे जो इंडियन रोस्टर्स हमेशा टिकटॉकर्स को रोस्ट करते हैं, मतलब फेम कमाते हैं। मिस्टर सोहू के भी वीडियो का मैं छोटा सा पार्ट आपको दिखा देता हूं, अगर आपको पूरा वीडियो देखना है तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके देख सकते हो। रोस्टिंग क्या है? रोस्टिंग एक ऐसा चीज है, वो एक तरीके का कॉमेडी है जिसमें आप सामने वालों को गंदा गंदा गाली दे सकता है, उसका बॉडी शेमिंग कर सकता है, उसके साथ जो चाहे वो कर सकता है, ठीक है। तो अभी ये सब करेगा तो तुमको व्यूज तो मिलेगा, क्योंकि तुम्हारे पास छोटा मोटा ऑडियंस है जिसके हिसाब से तुम टोलता है, ऐसा ऐसा करके टोलता है। अरे भाई तुम अभी रिसेंटली वो आमिर भाई इसलिए बनाया क्योंकि हम देख रहा है कि हमारे टिकटॉक कम्युनिटी वालों को बहुत ट्रोल किया जा रहा है। और कौन ट्रोल कर रहा है? ये रोस्टिंग का छोटू मोटू चैनल वाला, ये बोलता है कि टिकटॉक वाला छक्का है तो छक्का है। सर क्या बात करता है यार, टिकटॉक वाला यूट्यूब पर क्यों नहीं आ सकता है? टिकटॉक पर हमारे पास होता है दो चीज, एक होता है 15 सेकेंड और एक होता है 1 मिनट। तो अगर वो इंसान को अपना सब कुछ 15 सेकंड और 1 मिनट के अंदर ही दिखाना होता है, कैसे करेगा? टॉप पड़ता है कि नहीं पड़ता है? पर पड़ता है ना, ये सब पड़ता है। अभी हम तुमको टिकटॉकर लोग जो लोग यूट्यूब पर आया और धूम मचाया उसके बारे में कुछ बताएगा। हम 1000 एग्जाम्पल दे सकता है तुमको, लेकिन अभी तुम्हारे सामने हम बैठा है तो हम अपना एग्जाम्पल देगा। स्टार्ट किया यूट्यूब चैनल, 0 सब्सक्राइबर, जब चालू करता है पहला गाना डाला मेरा भाई तू मेरी जान है, खुद ही लिखा, खुद ही डायरेक्शन किया, खुद ही एक्टिंग भी किया, सब कुछ खुद ही किया, उसको पोस्ट किया, 1 साल हो गया, आज 22 बिलियन से भी ज्यादा यूज है, सब लोगों का दिल में बसा है गाना, कौन बनाया? टिकटॉकर। तुम कैसा बोल दिया यार, अरे हम चाहे जो भी करेगा तुम उसको मुजरा बोलता है, तुम साला क्या करता है, तुमको उससे यूज आता है, तुम बोलता है तेरी माका, तेरी माका, साला सबको गाली देता है खाली, उसके अलावा तुम्हारे पास काम क्या है? तुम साला बोलता है किसी के भी बारे में कुछ भी बोल देता है, तुमको क्या पता उसका मानसिक स्थिति कैसा है, मेंटल हेल्थ कैसा है? अगर वो डिप्रेशन में चला गया तो क्या करेगा तुम? खुदा ना खास्ता तुम्हारा वो सब बात सुनने के बाद वो बंदा अगर डिप्रेशन में चला गया, कभी वो सुइसाइड कर लिया तो क्या करेगा ये? तुम्हारा साला 500 के 600 के ऐसे सब सब्सक्राइबर लेकर तुम कहाँ जाएगा? चल हम मानता है आमिर भाई ने एक गलती किया कि उन्होंने पूरा यूट्यूब कम्युनिटी को ऐसा टारगेट किया, वो उनका इंटेंशन हम जानता है, उन्होंने कुछ गलत इंटेंशन से नहीं, उनका चलो कुछ मिसलीड हो गया, उस चीज के लिए छोड़ दो। लेकिन ये जो रोस्टर लोग है, आप रोस्टिंग करना चाहता है, आप कॉमेडी करना चाहता है, आप करो, आपको कौन मना कर रहा है? रोस्टिंग करना कॉमेडी करना गलत नहीं है, लेकिन टिकटॉकर को अंडर एस्टिमेट नहीं करो।
हमारा कम्युनिटी में ऐसे लेकर जब तक सब लोग है, कुछ लोग है जो लोग बुरा काम करता है उन लोग को वैसे पूरा खराब हो रहा है हमारा कम्युनिटी। उसी तरीके से तुम हो जो तुम्हारे यूट्यूब कम्युनिटी के लिए बुरा काम कर रहा है, तो तुम्हारी वजह से पूरा यूट्यूब कम्युनिटी खराब हो रहा है। टिकटॉक वालों को हल्के में मत लो, बहुत डेंजर लोग है। तो इसका मतलब ये जो ड्रामा है टिकटॉकर वर्सेस यूट्यूबर, ये बहुत लंबा चलने वाला जहां तक मुझे अभी लग रहा है। ऑल्सो आपको बता दो, फ्लाइंग बीस्ट जो रिसेंटली एक ब्लॉग अपलोड किए थे अपने चैनल पर, उसमें जो है वो रिएक्ट किए टिकटॉकर वर्सेस यूट्यूबर के बीच जो अभी चल रहा है उसके बारे में। एंड ऑल्सो वो अपना ओपिनियन दिए कि वो टिकटॉकर के बारे में क्या सोचते हैं एंड वो यूट्यूबर के बारे में क्या सोचते हैं। तो आप भी देखिए फ्लाइंग बीस्ट का रिएक्शन। वी जस्ट फिनिश्ड वॉचिंग वन वीडियो जो कि मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम पे ये मामला और टूल पकड़ेगा यूट्यूब पे, विच इज यूट्यूबर्स वर्सेस टिकटॉकर्स। क्यों रश, आपको क्या लगता है टूल पकड़ेगा कि नहीं पकड़ेगा? पकड़ेगा। वी आर जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि कौन बेटर कंटेंट बनाता है, कौन क्या करता है। अब तो मैं ऑनेस्टली जितना भी मैं टिकटॉक वीडियोज देखता हूँ वो मैं टिकटॉक पे जाके नहीं देखता, वो मैं यूट्यूब क्या कर रही हूँ यूट्यूब पे देखता हूँ। सो जो लोग यूट्यूब पे रोस्ट करते हैं, जो क्रिंज करते हैं, तो मेरा जो आइडिया है टिकटॉक का वो वही है जो ये लोग दिखाते हैं, बहुत सारे रोस्टर्स दिखाते हैं मैंने आई। बट जो मैंने खुद भी देखा है को मुझे इतना कुछ बहुत वैल्यू एडिशन कॉन्टेंट नहीं लगता। अदरवाइज मोस्टली वो 15 सेकेंड में लिप सिंक करते हैं, तो उसमें इट इज़ एंटरटेनिंग माइंड यू, बट इट डजंट नॉट एड एनी वैल्यू टू योर लाइफ। हाँ दिम्मे अभी लगा देता बेचा। तो मुझे ऐसा लगता है आने वाले दिनों में ये मैटर ऑल टूट पकड़ेगा और बहुत सारे यूट्यूब क्रिएटर जिसमें कूदेंगे। तो ऑन दैट नोट, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। तो यार आप लोगों का क्या कहना है इस पे कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए अब नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करते हैं। मैं बात करने लगा हूँ यूट्यूब इंडिया के बारे में। तो जैसे कि मैं अपने कल के वीडियो में बताता आपको कि यूट्यूब इंडिया जो है 30 अप्रैल को 1 बजे से बहुत सारे बड़े यूट्यूबर्स, बहुत सारे बड़े बड़े क्रिएटर्स के साथ मिलकर लाइव स्ट्रीम करने वाला है। वो बेसिकली एक चैरिटी स्ट्रीम होगा जहां पर वो लोग जो है फंड रेज करेंगे COVID-19 में अफेक्टेड लोगों के लिए। तो जब मैं आपको कल ये न्यूज बताया था तब मेरे पास वो लिस्ट नहीं थी कि कौन कौन से यूट्यूबर्स एंड कौन कौन से मतलब क्रिएटर्स होंगे, लेकिन अभी मेरे पास वो लिस्ट है। तो आपको बता दूं बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर जो है 30 अप्रैल यानी कि कल लाइव स्ट्रीम करने वाले हैं 1 बजे से। पहले ही क्लियर कर दूं, वो जो लाइव स्ट्रीम होगा वो बेसिकली एक नया चैनल है वन नेशन इंडिया, उस चैनल पर जो है लाइव स्ट्रीम होगा। वो वहां पर होंगे अमित भड़ाना, बियर बाइसेप्स, आशीष चंचलानी, भुवन बाम, बी यूनिक, डायनमो, कैरी मिनाटी, जॉर्ड इंडियन, हर्ष बेनीवाल, मेलविन लुइस, कविताज किचन, मॉर्टल, मोस्टली सेन, तन्मय भट्ट, राउंड टू हेल, टेक्निकल गुरुजी, टीम नाच एंड जाकिर खान। एक ही टाइम पे तो शायद वो लाइव स्ट्रीम नहीं करेंगे, अलग अलग उनका शायद टाइम होगा, सेपरेट टाइम। जैसे मान लीजिए 1 बजे से लेकर 1:30 बजे तक जो है अमित भड़ाना लाइव स्ट्रीम करेंगे एंड उसके बाद जो है 1:30 बजे से लेकर 2 बजे तक भुवन बाम एंड उसके बाद ऐसे ऐसे करके मतलब टाइमिंग होगा, शायद एक साथ शायद लाइव स्ट्रीम नहीं होगा। जी हाँ, इसका कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन जो भी हो वो बेसिकली एक चैरिटी स्ट्रीम है एंड वो लोग जो है फंड रेज करेंगे COVID-19 में अफेक्टेड लोगों के लिए। एंड ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है क्योंकि इससे जो है बहुत ज्यादा लोगों का हेल्प होगा। ऑब्वियसली बात है, पैसे हजारों में कलेक्ट नहीं होंगे, लाखों में कलेक्ट होंगे, तो समझ सकते हो कितने लोगों का हेल्प होगा। तो अगर आपको वो चैनल सब्सक्राइब करना है जिसमें जो है कल 1 बजे से लाइव स्ट्रीम चालू होगा, तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन दबा के रख दीजिए क्योंकि कल धमाका होने वाला है। तो चलिए अब नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करते हैं। मैं बात करने लगा हूँ भुवन बाम के बारे में। तो भुवन बाम आज अपने इंस्टाग्राम में कुछ स्टोरीज पोस्ट किए जहां पर वो जो है अपना थॉट्स रखे लॉकडाउन से रिलेटेड, मतलब वो क्या सोच रहे अभी इस लॉकडाउन में, वो अपना थॉट्स शेयर किए। आप भी देखिए भुवन बाम के इंस्टाग्राम स्टोरीज। हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि किताबों में भी पढ़ रहे हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं कि जू में जानवर होते हैं, वाओ सर्कस में वाओ जानवर होते हैं, बट अब जब हमारे पे आ रही है हमें फील हो रहा है तब पता लग रहा है। और जो लोग स्पेशली कहते हैं कि क्वारंटाइन है हम बोर हो रहे हैं घर में बोर हो रहे हैं, आई थिंक आप लोग और हम लोग बहुत प्रिविलेज्ड हैं कि एटलीस्ट हमारे सर पे छत है, हमारे फ्रिज में ठंडा पानी है, हमारे फ्रिज में खाना है, ओवन में खाना गर्म हो रहा है। मुझसे कई इंटरव्यू में पूछा कि what do you want to do for less fortunate people, what can we do for them, मैंने कहा उनके लिए अगर कुछ आपको करना है तो आपको पहले अपनी प्रिविलेज का एहसास होना चाहिए। आपको ये एहसास होना चाहिए कि हाँ भाई मेरे घर में AC लगा हुआ है, पंखा चल रहा है मेरे घर पे, मेरे पास सोने के लिए बिस्तर है, बहुत लोगों के पास नहीं है। तो आप ये मत समझिए कि आपके पास बहुत कम है, ये सोचिए कि आपको जितना मिला है बहुत है, जितना हमारे पास है उतना बहुत लोगों को नसीब भी नहीं होता है। तो हम जो घर में बोर हो रहे हैं वो हम TV देखते देखते बोर हो रहे हैं, स्मार्टफोन यूज़ करते करते बोर हो रहे हैं, फिल्में देखते देखते बोर हो रहे हैं, ये प्रिविलेज है, ये लग्जरी है जो बहुत लोगों के पास नहीं है। तो प्लीज़ आप उस चीज़ की खैर मनाइए कि आप लोग एटलीस्ट अपने परिवार वालों के साथ हैं, एटलीस्ट अपने घर में हैं, एंड जितना हो सके थिंक अबाउट अदर पीपल। सही बनो, सही बनो, मतलब यही आगे चल के यही काम आएगा।
और कुछ नहीं कमाने वाला। तो चलिए अब नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करते हैं। मैं बात करने लगा हूँ साहिब नूर सिंह के बारे में। तो साहिब नूर सिंह को जो है कल टॉप 100 अंडर 36 इन द होल वर्ल्ड के लिस्ट में 33rd नंबर पर फीचर किया गया। जी हाँ, टॉप 100 अंडर 36 इन द होल वर्ल्ड में फीचर किया गया उनको। जी हाँ गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन पर। सो या हार्टी कांग्रेचुलेशन टू साहिब नूर सिंह। तो चलिए अब नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करते हैं। मैं बात करने लगा हूँ रियल हिट के बारे में। तो जैसे कि मैं एक दिन पहले अपने वीडियो में बताया था कि रियल हिट जो है बहुत ही जल्द मॉर्टल के साथ कोलैब करते हुए एक वीडियो अपलोड करेंगे अपने चैनल पर, जिसका टाइटल होगा पबजी वर्सेस प्यार, एंड वहां पर जो है मॉर्टल एक्टिंग करेंगे। एंड शायद से आप मॉर्टल को फर्स्ट टाइम एक्टिंग करते हुए देखेंगे उस वीडियो में। एंड जब मैं वो न्यूज बताया था तब कमिंग सून था वो वीडियो, लेकिन अब डेट अनाउंस कर दिए है रियल हिट की वो अपना कोलैब वीडियो कब अपलोड करेंगे। तो वो वीडियो बेसिकली आज शाम 4 बजे अपलोड होगा। जी हाँ, आज ही अपलोड होगा वो वीडियो 4 बजे। एंड उसी का अपडेट देते हुए रियल हिट अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में ये पोस्ट किए थे। गाइस, एक गुड न्यूज है आप लोग के लिए कि मॉर्टल भाई के साथ जो कोलैब वीडियो है वो आ रही है कल शाम 4 बजे। तो मतलब यार 4 बजे बिल्कुल चैनल पे आके बैठ जाना, और अभी जिसने सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब कर लो, जिसने बेल आइकन नहीं दबाया बेल आइकन दबा लो। मतलब वीडियो आते ही टूट पड़ना यार। मतलब आपने मॉर्टल भाई को गेमिंग करते हुए देखा होगा, लेकिन आप उन्हें एक्टिंग करते हुए पहली बार देखोगे शायद। तो मिस नहीं कर रही वीडियो, टाइम से वीडियो आ जाएगी और आपको देखनी है 4 बजे कल। अभी तक तो रियल हिट एंड मॉर्टल का कोलैब वीडियो जो है आ ही चुका होगा। तो अगर वो वीडियो आ चुका है तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके देख सकते हो। तो यार आज के लिए बस इतना ही न्यूज़ था। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। एंड इसी तरह के यूट्यूब कम्युनिटी एंड अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से रिलेटेड इंटरेस्टिंग न्यूज जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज़।